हर तरह से किसान की मारी जा रही है। हाँ भाई, दिक्कत है, तेल की महंगाई से सब चीज का रेट बढ़ते चला जा रहा है। काहे की महंगाई, इतना खर्चा भी तो है, 2-2 हज़ार रुपया सब लोग ले रहे हैं। हाँ दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। और सबसे पहले तो आप लोगों को दीपावली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ। और अभी देखिए, यहाँ ये मैगना मार्केट है, यहाँ पर हम आए हैं। आगे चुनाव है और लोग इस सरकार से खुश हैं या ना खुश हैं, आइए हम जानते हैं इन लोगों से। सरकार से आप खुश हैं या ना खुश हैं? एकदम नहीं खुश हैं। क्या रीज़न, आप क्यों नहीं खुश हैं? बढ़ती महंगाई के हिसाब से ये सरकार हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। और रही बात किसानों की, तो किसानों की जो 45 किलो यूरिया डाई है, रेट तो बढ़ गया लेकिन वजन कम हो गया जी। 5 किलो? हाँ, 5 किलो कम हो गया। 50 किलो पहले था, 5 किलो वजन कम हो गया। किसान हर तरह से किसान की मारी जा रही है, ठीक है। राजनेताओं का क्या, वो तो सब मजा ही कर रहे हैं अपना। इसीलिए हम सरकार से एकदम नाखुश हैं। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम और दाल चावल सब कुछ महंगा है। इसी वजह से हम सरकार को देखना नहीं चाहते, वोट देने की तो बहुत बड़ी बात है। तो अभी आगे चुनाव 2022 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में, क्या इरादा आपका? हम तो बस एक विकास पुरुष है, जो 2013-14 था उसमें माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे क्योंकि उन्होंने विकास किया है और सभी को एक साथ लेकर चले हैं। उन्होंने कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं रखा है। तो अभी आगे चुनाव है, क्या इरादा है, क्या सोच रहे हैं आप? हमारा बस एक ही इरादा है, साइकिल और अखिलेश। अच्छा, तो आपको लगता है कि अखिलेश जाएंगे तो महंगाई कम हो जाएगी? हाँ, एकदम कम हो जाएगी और रोजगार भी सभी को मिलेगा। सभी को रोजगार? हाँ, सभी को रोजगार मिलेगा। देश की इतनी आबादी है, सभी को रोजगार? अरे, सरकार नहीं दे सकती। रही बात छोटे छोटे दुकानदारों की, जब से भाजपा सरकार आई है तब से सबकी रोजगार एकदम ठप हो गया। जो 10 रुपया कमाते थे उनका रोजगार 2 रुपया हो गया है। क्यों, ऐसा क्यों? बढ़ती महंगाई के हिसाब से किसी के पास पैसे नहीं है तो होगा क्या? पैसा होता सभी लोग खरीदारी करते। आज दीपावली का त्यौहार, मार्केट में कोई भीड़ दिखाई दे रही है आपको? नहीं तो अभी भीड़ होगी, अभी तो शाम के टाइम। अरे पहले था, ऐसा ही था, पहले पैसा था सभी लोग दोपहर सुबह से ही मार्केट करने लगते थे, लेकिन अब पैसा नहीं है तो मार्केट क्या करेंगे जी। ठीक है भाई, धन्यवाद। सरकार से नाराज नहीं है हम। अच्छा, आप नाराज नहीं है, खुश हैं? खुश भी नहीं है। तो फिर क्या, आप कुछ तो बताइए, क्या सरकार के बारे में क्या बताएं, बताइए। नहीं, सरकार से आप नाराज भी नहीं है और खुश भी नहीं है। तो फिर क्या इरादा आपका, मतलब ऐसे कैसे कि आप खुश भी नहीं है और नाराज है, नाराज भी नहीं है? नहीं, सरकार से क्यों खुश होंगे, क्यों नाराज होंगे? सरकार तो अपना काम कर रही है, जो करना है उसको। कोई इतनी महंगाई बढ़ रही है, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं? महंगाई तो सरकार इसमें है, महंगाई बढ़ेगी, GST ले रही है, सब सरकार में जा रहा है ना, ऐसे आपको कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, महंगाई बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार से नाराज हैं या खुश है? क्यों, आपको कोई दिक्कत नहीं है? सरकार ठीक है क्या, बोले आप कुछ ने? नहीं आ? क्यों आप बोल नहीं पाते, क्या क्या बात है? दिमागी हालत सही नहीं है। अच्छा अच्छा, बीजेपी खुश है? बीजेपी साहब खुश है। अच्छा, ये लोग तो यहाँ नाराज है, कह रहे इतनी महंगाई बढ़ रही है, नहीं, 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 है? किसान परेशान हो रहे हैं। जब तक वो वैसी चाचा रही है तब तक बीजेपी कोई नहीं हरा पाएगा। अच्छा, ये तो दावा है। ऐसा क्यों, वो वैसी चाचा रहेंगे बीजेपी क्यों नहीं हरा पाएगा? नहीं, कोई नहीं हरा पाएगा। क्यों, ऐसा कोई तो आना चाहिए बीजेपी, यहाँ भी तो वैसे चाचा आ रहे हैं, आना चाहिए बीजेपी। नहीं, वैसे यहाँ भी तो आ रहे हैं, आना चाहिए ही बीजेपी। बीजेपी चाहिए आपको? बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं आपको? कोई दिक्कत नहीं, महंगाई वही जो बढ़ रहा है, कुछ नहीं, सब खा रहे, कोई उतुआ नहीं है, सब खा रहे, सब ठीक है ना, सब मस्त है अपने हाल में। जी भाई साहब, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। महंगाई जो बढ़ रहा है, इतना महंगाई क्या, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, गैस सिलेंडर बढ़ रहा है, 200 रुपये हो जाएगा तब भी भरेंगे जनता। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी आना चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी आना चाहिए। ठीक है भाई साहब। हाँ भाई, दिक्कत है, तेल की महंगाई से सब चीज का रेट बढ़ते चला जा रहा है जी। हाँ, तो अभी आगे चुनाव है 2022 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में। हाँ, क्या इरादा बन रहा है आप लोगों का? अभी इरादा देखिए कुछ नहीं बन रहा है। क्यों, अभी तो आप कितना टाइम है? जैसे पब्लिक जो जहाँ रुझान होगा जैसा उसी हिसाब से वोट दिया जाएगा। यहाँ तो हम देख रहे हैं बीजेपी वाले ज्यादा है, ये बीजेपी को फिर से कह रहे हैं हम बीजेपी की सरकार बनाएंगे, इनको मांगा कोई दिक्कत? हाँ, उनको कोई दिक्कत नहीं, जिसको नहीं दिक्कत हो देख। अच्छा, जिसको दिक्कत है वो नहीं देगा। तो आपको क्या लग रहा है, आपको लग रहा है महंगाई है? बहुत महंगाई है। क्या महंगाई कम है, तेल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल सब तो महंगा ही चल रहा है, तो भाई जब दिक्कत होगी तो महंगाई और बढ़ेगी जी। हाँ, तो इस वजह से अगर कंट्रोल रहे भाई, महंगाई कम हो जाए तो अच्छी बात है। बताइए चाचा जी, आप सरकार से खुश हैं या नाराज? भाई खुश हैं।
खुश हैं आप? हाँ, 15 कोई नहीं, कुछ नहीं, नहीं कहा कि महंगाई, इतना खर्चा भी तो है, 2,000 रुपया सब लोग ले रहे हैं। हाँ, दवाई इंजेक्शन फ्री लगा दिए, काहे के लिए भैया तकलीफ है किसी को? देखिए लोग चिल्ला रहे हैं कि महंगाई है। अरे ऐसे ही महंगाई, महंगाई तो आएगी ना, जब फ्री खाओगे तो महंगाई होगी। राशन भी ले रहे हैं फिर? राशन भी दो टाइम ले रहे हो, तब फिर से बीजेपी की सरकार बनाएगी? अरे 100% बनेगी यार, इसमें कौन सी बात, कोई रोक ही नहीं सकता। धन्यवाद, हम तो खुश है भैया सरकार से, कहें कि भाई महंगाई तो रहेगी क्योंकि जनसंख्या भी इतना ज्यादा है तो रहेगा ही, लेकिन ठीक है सरकार, हमारे समझ से सरकार ठीक है, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया जब नई नई पीढ़ी आ रही है, हम पहले तो हम अकेले थे, हमारे भी 3 लड़के हैं, बीबी है, तो भाई खर्चा तो बढ़ेगा ही, कोई दिक्कत नहीं सर, महंगाई तो रहेगा। बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, तो दिक्कत नहीं होगा, नहीं चलता रहेगा इसे, कोई दिक्कत नहीं, सरकार अच्छा है सर, एकदम खुश हैं, फिर आएगी बीजेपी, फिर आएगी, फिर आएगी 100% आएगी। भैया आप बताइए सरकार से खुश हैं या नाराज हैं? नहीं नहीं एकदम खुश है, क्या दिक्कत है, महंगाई जोरों पे है। हाँ, तो महंगाई जोरों पे तो खुश है? अरे एकदम खुश है, जो झालर वाली बात कहाँ हुई, महंगाई जोरों पे है तो। अरे तो खुशी क्यों नहीं हुआ, झालर 200 रुपया का रहा, 250 बिक रहा है। अच्छा, कस्टमर अच्छा। जो यानी पब्लिक है उनसे पैसा वसूल हो जा रहा है, तो ही हम लेंगे सामान लेके आएंगे, खुश है इसलिए एकदम खुश है, 250 में बेच रहे हैं, एकदम बेचेंगे, क्यों नहीं बेचेंगे, 300 में बेच लेंगे भाई, महंगाई है। नहीं 300 क्यों बेच लेंगे, सब बेचेंगे, जैसे दोनों किराया हमारा भी एडजस्ट हो जाए। अच्छा, लड़के 4 हैं हमारे पास, घर खर्चा भी है ना, तो 200 का आएगा तो 250 तो बेचना ही पड़ेगा। महंगाई है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, महंगाई। सरकार से आप खुश हैं या नाराज हैं? बहुत खुश हैं, बहुत नाराज हैं, बहुत ना, अभी तो आप कह रहे थे बहुत खुश हैं। अरे वो तो निकल गया। अच्छा निकल गया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अगर खुशी की बात होती तो आप वही पहले निकलता, आप कह रहे हैं नाराज हैं। जी नाराज हैं आप? जी किस लिए नाराज हैं बताइए? कुछ है नहीं इस सरकार में, ना शिक्षा है, ना कुछ नहीं, खाने को नहीं मिल रहा आपको? नहीं मिल रहा है। क्यों खा नहीं रहे हैं आप? नहीं, राशन भी तो दे रहे हैं मोदी जी फ्री में राशन। किसको मिलता है राशन? राशन नहीं मिलता आपको? राशन किसको मिलता है? राशन हर गांव में मिल रहा है, आप कह रहे हैं राशन किसको मिलता है बताइए आप? राशन तो सबको मिल रहा है, बोलिए ना, आप चुप कहे हो गए? जितना राशन है उससे बड़ा तो बैग है। क्या बैग? 5 किलो राशन में 1 क्विंटल का बैग। कौन सा बैग? बैग किस बैग की बात कर रहे हैं आप? अरे जो मोदी जी दिए हैं। अच्छा, बड़ा सा, जिसपे मोदी और योगी छपे हैं, ऐसा ना बोलिए आप जी। हाँ, तो 5 किलो में काम नहीं हो रहा है? नहीं, अभी जो फ्री में वैक्सीन लगवा रहे हैं मोदी जी जी, अभी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो 1400 रुपए लग रहा है। हाँ, ठीक है, ये फ्री में लगवा रहे हैं मोदी जी, आप कह रहे हैं नाराज है क्यों भाई? टैक्स दे रहे हैं हम, उसका वैक्सीन लग रहा है। अच्छा जी, तो आगे अभी 2022 में विधानसभा चुनाव है, इस सरकार से अगर आप ना खुश हैं तो फिर क्या इरादा है अभी? 2022 में अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। राय दीजिए अपनी। क्या राय दें? हमारे हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी जी जो भी कर रहे हैं उनके हिसाब से बढ़िया है जी, बाकी जनता जो है, जनता किस प्रकार से प्रताड़ित है वो हर एक इंसान को पता है महंगाई से जी। और दूसरी चीज़, 2022 में क्या करना है क्या नहीं करना है वो जनता देगी सबको, जनता सोच के रखी है। ठीक है, बची बात राशन की, मुफ्त हो या पैसे से हो या वैक्सीन की हो जी, ठीक है, कोई भी इंसान अपना काम जो है फ्री में नहीं करता जी। जी आप जो कह रहे हैं सरकार फ्री में लगा रही है, सरकार अपने जेब से नहीं लगा रही है, हमसे टैक्स लेती है, इसके बाद वो हमें उपलब्ध कराती है। राशन जो हमें मिल रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी ही जेब से जा रहा है सरकार के पास, फिर सरकार वो हमें दे रही है, आप समझ रहे हैं ना जी, बस जी, यही चीज़ है। तो आप बताएं ना, इस सरकार से खुश हैं या ना खुश हैं? अब नहीं, खुश तो नहीं। तो क्या लगता है आपको, अगली सरकार आएगी तो आपको महंगाई कम कर देगी या आपको राशन 5 की जगह 10 किलो देगी? तो हम कह रहे हैं राशन मुद्दा ही नहीं है, राशन मुद्दा नहीं है, मुद्दा बेरोजगारी है। इस टाइम कोरोना था, सब लोग घर से कमा कमा के बेचारे शहर से लोग गांव आए थे। हाँ जी, तो सरकार सबको राशन तो पहले इतना नहीं मिल रहा था, नहीं दो मिला। बार राशन मिल रहा था महीने में। ठीक है जी जी, तो सरकार जो टैक्स ले के रखी थी तो वही तो जनता, सरकार अच्छा बनाया क्यों गया है, जनता ने सरकार को बनाया कि सरकार हमारा भला करे ना जी, जी तो यही अब, तो पॉइंट अब है, वही सरकार कर रही है। अब सरकार चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा मायावती कोई भी हो जी, वो जनता के लिए करेगी भैया। अभी तो योगी जी आए हैं, योगी जी कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो अखिलेश जी आएंगे कहाँ है, तो 4.5 साल हो गया। हाँ वही 4.5 साल हो गया, मान रहे 4.5 साल हो गया, लेकिन उन्होंने क्या किया हमारे लिए, क्या किया बताइए, आप ही बताइए क्या किया? कुछ नहीं किया उन्होंने। 5 किलो राशन से किसी खर्चा चलता है? 6,000 रुपये आप साल भर में दे रहे, किसी खर्चा चलेगा उससे? हाँ उससे तो आप हमसे ले रहे हैं, कहीं 400 कुछ रुपये का सिलेंडर था, इस समय 1,000 रुपये सिलेंडर हो चुका है, और पहले
यूरिया डाई का क्या भाव था, हम यही मुद्दा उठाएंगे क्योंकि हम किसान हैं। जी 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 ठीक है, हम यही मुद्दा उठाएंगे, किसानों की बात है ये, हम यही मुद्दा उठाएंगे क्योंकि हम किसान हैं। आपने तो उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस दे दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि भरवाएंगे कैसे हम लोग। 1000 रुपये प्लस चला गया उज्ज्वला ESP गैस। यूरिया 5 किलो कम हो गया, अब मिल रहा है 1220 रुपये। यूरिया 45 किलो मिलने लगी, पहले 50 किलो, उसका रेट भी बढ़ गया है। अब डीजल पेट्रोल 60 रुपये 62 रुपये था, अब यहाँ देख रहे हैं आप लोग कितने रुपए हो गया। आपको पता ही होगा कितना रुपए हो गया, 107 हो गया, और डीजल कहाँ पहुँच गया। तो यही सब कारण है महंगाई का, इसीलिए जनता बीजेपी से परेशान है, और कोई दिक्कत नहीं है। ये सब दुकानदार है ना, ये जैसे दुकानदार का मतलब ये होता है 80 रुपये हम लाएंगे, 100 रुपये हमसे ले लेंगे, अब उनको थोड़ी महंगाई फर्क पड़ेगी, उनको नहीं पड़ा। हम लोग गाँव के हैं, आम आदमी परेशान है। अब ये दुकानदारों के लिए महंगाई वहंगाई कुछ नहीं होती, जैसे ये 100 रुपये एक सामान है, 120 रुपये में हमको देंगे, ये देंगे कि नहीं देंगे। महंगाई बढ़ गई है, कहेंगे बस सामान महंगा मिलेगा, 50 रुपये हमसे ले लेंगे। इन लोगों के लिए सही ठीक ठाक है कुछ, लेकिन ज़्यादा दिक्कत तो हम लोगों गाँव वालों के लिए है, गाँव वालों के लिए समस्या है। आज घर दो चक्का निकालने में दिक्कत हो रही है, चलने में 110 रुपये पेट्रोल हो गया है। 2022 में चुनाव भी है, 2022 में चुनाव है, इसमें सपा की सरकार बनेगी,